नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट्स चैनल और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बर्तन के बारे में बताना जा रहा हूँ जिसका नाम है हबूर और वो एक हबूर नाम के पत्थर से बनता है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये पत्थर कैसा होता है। तो इस पत्थर की खासियत ये है कि अगर आप इसमें दूध डाल के रख देंगे और 24 घंटे तक इसको सेट होने देंगे तो दूध अपने आप ही दही जम जाएगा। और जो ये बर्तन है ये राजस्थान के जैसलमेर में मिलता है और काफ़ी दूर दूर के शहरों से यहाँ पर टूरिस्ट लेने आते हैं इस बर्तन को। तो चलिए आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सब जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने हबूर पत्थर के बारे में थोड़ा फेसबुक पे देखा था तो मुझे वैदिक साइंस का पेज मिला और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, दही जमाने के लिए लोग अक्सर जामुन ढूंढते नज़र आते हैं। वहीं राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में स्थित इस गांव में जामुन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ ऐसा पत्थर है जिसके संपर्क में आते ही दूध जम जाता है। इस पत्थर पर विदेशों में भी कई बार रिसर्च हो चुकी है। फॉरनर यहाँ से ले जाते हैं इस पत्थर के बने बर्तन। स्वर्ण नगरी जैसलमेर का पीला पत्थर विदेशों में अपनी पहचान बना चुका है। इसके साथ ही जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित हबूर गांव का पत्थर अपने आप में विशिष्ट खूबियां समेटे हुए है। इसके चलते इसकी डिमांड निरंतर बनी हुई है। हबूर का पत्थर दिखने में तो खूबसूरत है ही, साथ ही उसमें दही जमाने की भी खूबी है। इस पत्थर का उपयोग आज भी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दूध जमाने के लिए किया जाता है। इसी खूबी के चलते यह विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रिय है। इस पत्थर से बने बर्तनों की भी डिमांड बढ़ गई है। तो जो ये पत्थर है, बर्तन जो इस पत्थर के बनते हैं उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इंडिया में भी और बाहर के देशों में भी। कहा जाता है कि जैसलमेर पहले अथाह समुद्र हुआ करता था और कई समुद्र जीव समुद्र सूखने के बाद यहाँ जीवाश्म बन गए, वो पहाड़ों का निर्माण हुआ। हबूर गांव में इन पहाड़ों से निकलने वाले इस पत्थर में कई खनिज व अन्य जीवाश्मों की भरमार है, जिसकी वजह से इस पत्थर से बनने वाले बर्तनों की भारी डिमांड है। साथ ही वैज्ञानिकों के लिए भी ये पत्थर शोध का विषय बन गया है। इस पत्थर से सजी दुकानों पर बर्तन व अन्य सामान पर्यटकों की खास पसंद होते हैं और जैसलमेर आने वाले लाखों देसी विदेशी सैलानी इसको बड़े चाव से खरीद कर अपने साथ ले जाते हैं। क्या है खास हबूर का पत्थर? तो अब हम पढ़ेंगे कि इस पत्थर में ऐसा खास क्या है, इस पत्थर में केमिकल्स हैं या फिर क्या है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में लिखा है कि इस पत्थर में दही जमाने वाले और सारे केमिकल मौजूद हैं। विदेशों में हुई रिसर्च में ये पाया गया है कि इस पत्थर में अमीनो एसिड, फिनाइल एलिनिया, रिफ्टाफेन, टायरोसिन है। ये केमिकल दूध से दही जमाने में सहायक होते हैं, इसलिए इस पत्थर से बने कटोरे में दूध डालकर छोड़ देने पर दही जम जाता है। इन बर्तनों में जमा दही और उससे बनने वाली लस्सी के पर्यटक दीवाने हैं। अक्सर सैलानी हबूर स्टोन के बने बर्तन खरीदने आते हैं। इन बर्तनों में बस दूध रखकर छोड़ दीजिए, सुबह तक शानदार दही तैयार हो जाता है जो स्वाद में मीठा और सौंधी खुशबू वाला होता है। इस गांव में मिलने वाले इस स्टोन से बर्तन, मूर्ति और खिलौने बनाए जाते हैं। ये हल्का सुनहरा और चमकीला होता है। इससे बनी मूर्तियां लोगों को खूब अट्रैक्ट करती हैं। तो मतलब इससे काफ़ी चीज़ें बनती हैं, मूर्तियाँ बनती हैं, खिलौने बनते हैं और बर्तन बनते हैं। तो यही जो टूरिस्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि एक तो ये चमकीले होते हैं और ऊपर से सुंदर होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जब भी आप जैसलमेर जाएँ तो इस बर्तन का ज़रूर लाएँ, क्योंकि मैं भी लाऊँगा। मैं भी कभी जाऊंगा तो मैं भी लाऊंगा, क्योंकि मैं भी दही का बहुत दीवाना हूँ, क्योंकि दही कैल्शियम से भरपूर होता है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे जाके लाइक कर देना, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।